स्वागत है दोस्तों आपका हमारे टेक्निकल फार्मा यूट्यूब चैनल में। तो अब तक हमने देखा कि एंटी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देखा, उसके सिंथेसिस देखे जो प्रोमेथाजिन है, डायफिन डायफिनहाइड्रामाइन है, जो हमने ड्रग देखे है एंटी हिस्टामिनिक के थे। अब हम देखने वाले हैं एंटी कैंसर ड्रग। एंटी कैंसर ड्रग में आज का ड्रग है हमारा अल्कालेटिंग एजेंट में जो नाइट्रोजन मस्टर्ड है, नाइट्रोजन मस्टर्ड में भी है मिक्लोरथामाइन है। तो इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर है कि CH3N CH2 CH2 Cl CH2 CH2 Cl। अच्छे से देख लीजिए, ये ड्रग है साइटोटॉक्सिक ड्रग है, डायरेक्टली एक्ट ऑन सेल, इसीलिए इसे साइटोटॉक्सिक कहते हैं और इसे म्यूस्टिन भी कहते हैं, इस ड्रग को म्यूस्टिन भी कहते हैं। तो ये उसका स्ट्रक्चर और जनरल इंट्रोडक्शन कि यह कौन से क्लास में आता है, और एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी नियोप्लास्टिक भी बोलते हैं इसे। अब इसका सिंथेसिस देखेंगे। सिंथेसिस ऑफ नेक्लोरथामाइन CH3NH2 मतलब इथिल सॉरी मिथिल अमाइन, मिथिल अमाइन लेना है आपको, ये मिथिल ग्रुप है और ये अमाइन है, और इसमें आपको रिएक्ट करना है इथिलीन ऑक्साइड के साथ। ये इथिलीन ऑक्साइड ट्वाइस लेना है आपको, ट्वाइस इथिलीन ऑक्साइड, क्योंकि आपको यार CH2 CH2 ये दो बार है, मतलब दो बार है, इसलिए आपको ये टू टाइम लेना है। तो यहाँ क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से रिंग टूट जाती है, रिंग का यहाँ से टूट जाती है, और क्या होता है कि ऐसा का एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है, मतलब ऑक्सीजन की तरह, मतलब ये OH हो जाता है यहाँ। देखिए OH ट्वाइस है, इसलिए यह दो बार है, और ऐसी चीज जो रिंग होती है यहाँ नाइट्रोजन को अटैच हो जाती है, तो यह आपका स्ट्रक्चर बन जाता है 2-2 मिथिलामाइनो डाइथेनॉल। 2-2 मतलब A2-2 मिथिलामाइनो और है डाई इथेनॉल, दो इथेनॉल है इसलिए डाई इथेनॉल। तो आपका इंटरमीडिएट, और इसके साथ हमें थायनिल क्लोराइड ऐड करना है, ट्वाइस ट्वाइस ऑफ थायनिल क्लोराइड ऐड करना है, और हमें बाहर निकल जाएगा ट्वाइस ऑफ SO2 और ट्वाइस ऑफ HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ का ट्वाइस ऑफ SO2 और ट्वाइस ऑफ HCl बाहर निकल जाएगा, और हमें मिल जाएगा मेक्लोरथामाइन CH3N CH2 CH2 Cl CH2 CH2 Cl। चलिए फिर से लेते हैं ये मिथिल अमाइन लेते हैं, और इसके साथ रिएक्ट करना है हमें इथिलीन ऑक्साइड और CH3, ये हमें स्ट्रक्चर मिल जाता है, और थायनिल क्लोराइड हमें इसके ऐड करना है, तो हमें मेक्लोरथामाइन है स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो यह उसका फुल सिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे इसका कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो इट एक्ट बाय द थ्री डिफरेंट मैकेनिज्म है, थ्री डिफरेंट मैकेनिज्म के साथ ये इसका मैकेनिज्म होता है। तो सबसे पहले ए वाला लेंगे, अटैचमेंट ऑफ अल्किल ग्रुप टू DNA, DNA के साथ इसका ग्रुप अल्किल ग्रुप अटैच होता है DNA बेस के साथ, और रिजल्टिंग इन द DNA बीइंग फ्रेगमेंटेड, DNA होता है बाय द रिपेयरिंग एंजाइम, रिपेयरिंग एंजाइम के साथ ये फ्रेगमेंटेशन कर लेता है, क्या करता है वो अटैचमेंट ऑफ अल्किल ग्रुप टू DNA, एंड क्या होता है ना बाद में इन देयर अटेम्प्ट टू रिप्लेस द अल्काइलेटिंग बेस, ये क्या करता है रिप्लेस कर देता है अल्काइलेटिंग बेस को, और प्रिवेंटिंग DNA सिंथेसिस, और DNA सिंथेसिस को प्रिवेंट कर देता है। एंड RNA ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द अफेक्टेड DNA, एंड RNA ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है अफेक्टेड DNA के बाद। सेकंड मैकेनिज्म है DNA डैमेज वाया फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक, DNA डैमेज हो जाता है वाया फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक, क्रॉस लिंक की वजह से DNA डैमेज हो जाता है, एंड बॉन्ड बिटवीन एटम इन द DNA, एंड बॉन्ड बिटवीन एटम इन द DNA विच प्रिवेंट DNA फ्रॉम बींग सेपरेटेड फ्रॉम द सिंथेसिस और ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या करता है मैक्लोरथामाइन जो DNA का जो सिंथेसिस होता है उसे सेपरेट करता है, प्रिवेंट करता है सेपरेट होने से, इसे प्रिवेंट करता है। एंड थर्ड पॉइंट है इंडक्शन ऑफ मिसपेयरिंग ऑफ द न्यूक्लियोटाइड लीडिंग टू म्यूटेशन, इंडक्शन करता है मिसपेयरिंग का, और न्यूक्लियोटाइड्स का क्या करता है म्यूटेशन कर देता है। ये हुआ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम देखेंगे क्लिनिकल यूजेस क्या क्या है इसके, क्लिनिकल यूजेस इट इज़ यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ उटकिन डिसीज, उटकिन डिसीज क्या होता है कि एक सरनेम है जिसने ये डिसीज को डिराइव किया, इसका सरनेम है उटकिन। तो ये डिसीज में क्या होता है कि एनलार्ज लिम्फोसाइट सेल और लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट हो जाता है इस डिसीज में, तो ये डिसीज वहाँ ऑकर हो जाता है, और ये मायोसिस फंगोइड्स क्या होता है कि मायोसाइट क्या होता है कि इन्फेक्शन बाय द फंगी, और जो एनवायरमेंट में जो पार्टिकल होते हैं और फंगा होते हैं उसमें से ये इन्फेक्शन होता है, उसे मायोसिस ग्लियोसाइट कहते हैं। और लिम्फोमा क्या होता है कि ग्रुप ऑफ ब्लड सेल
जो ग्रुप ऑफ ब्लड सेल होते हैं उसको भी लिम्फोमास कहते हैं, और दैट डेवलप द लिम्फोसाइट। और जो लिम्फोमा किससे डिराइव होता है कि लिम्फोसाइट से, ये ट्यूमर सेल क्या किससे होता है डेवलप फ्रॉम द लिम्फोसाइट सेल से भी ट्यूमर हमें हो सकता है। तो यह हमने देखा कि एंटीनियोप्लास्टिक में नाइट्रोजन मस्टर्ड में मेक्लोथामाइन ड्रग है, इसका हमने सबसे पहले देख लीजिए क्लिनिकली जो देखा मैकेनिज्म एक्शन देखी और इसका सिंथेसिस है, इसका स्ट्रक्चर है, तो हमने सब देख लिया इसका। तो आशा करता हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब के बाजू में घंटे वाला बटन है उसे भी दबाना मत भूलिए, नहीं तो आपके पास अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जय हिंद।